Vishal, welcome to IWM Buzz. Happy New Year to you, firstly. Happy New Year to you too. So, New Year के दिन ही आपने एक बड़ा धमाका दे दिया है अपने फैंस को, तो क्या बोलना चाहोगे इस धमाके के बारे में? फैंस के लिए भी धमाका था, मेरी जिंदगी के लिए भी धमाका था और बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के लिए भी धमाका था. मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ शो का, बहुत दिल से देखता हूँ शो. और जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ये कर सकता हूँ, बिग बॉस के घर जा सकता हूँ, वो माइक पहन सकता हूँ, वो आवाज सुन सकता हूँ, तो आई गॉट रियली एक्साइटेड बिकॉज मैं इतना, मुझे लगता है कि मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं अभी एज अ कंटेस्टेंट शो में जा सकूँ. तो मुझे लगा कि ये बहुत बेहतर मौका है और आई वॉज ऑल इन, मतलब द मोमेंट आई गॉट टू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. ओके, सो एज अ चैलेंजर आप घर पे गए हैं, तो कितना चैलेंज आपने किया है सभी कंटेस्टेंट को, या हम कह सकते हैं कि एक तरफ से आपने सभी कंटेस्टेंट को थोड़ा सा छोटा सा टॉर्चर दिया है? देखिए, शो जिस लेवल पे पहुंच चुका है और जितना बड़ा शो है, आप उसको लाइटली नहीं ले सकते. और मुझे सिर्फ फीलिंग ये हो रही थी कि आप यार ऐसे टास्क जो स्पेशली आपका टिकट टू फिनाले टास्क है, मतलब कत्लेआम मचा देते हैं लोग और आप रद्द करवा रहे हो यार बार बार. सो एक घर में जाके हमने इनको उस टिकट टू फिनाले का जो टास्क है या इन जनरल टास्क की जो अहमियत है वो याद दिलाई है इनको, और उस चक्कर में इन सबने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है. क्या चेंजेस नजर आएंगे आपके जाने के बाद, आप लोगों के जाने के बाद क्या चेंजेस नजर आने वाले हैं घर वालों में? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चेंज ये होगा कि टास्क पूरा होगा, लोग जेन्युइनली टिकट टू फिनाले जीतेंगे और दर्शकों को मजा आएगा क्योंकि वो भी, ऑडियंस भी बैठ के देखना चाहती है, ये फाइट होते हुए देखना चाहती है कि लोग लड़ रहे हैं टू बी समवेयर जहां पे इनको ऐसे शिद्दत से लड़के पहुंचना चाहिए, जिसके लिए आपने 3 महीने अपने परिवार से, अपने प्यार करने वालों से दूर रहकर जिया है. तो विशाल, जब आपने चैलेंजेस दिए हैं, तो फॉर श्योर कंटेस्टेंट के मन में तो थोड़ा बहुत भड़ास होगा ही, क्या वो भड़ास आप लोग के सामने निकला, क्या एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स दोनों ही एक साथ आए आप लोग के सामने? देखिए, ये कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहां पर वो लोग हमें नहीं देख सकते थे, हम उन्हें देख सकते थे, तो ऑन द फेस वाला सीन नहीं हुआ हमारा. पर हम लोगों ने टास्क उनके आपस में जितने हुए सो हुए, उन्हें पता था वी आर अराउंड, वी आर वॉचिंग एंड ऑल. सो वो हमारा आमने सामने वाला नहीं हुआ जिसमें वो हमारे साथ कहीं अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट वाली पोजीशन पे पहुंच पाते. ओके, सो विशाल, देवोलीना भी थी आपकी, नो वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, सो जब देवो को आपने कुछ चैलेंज दिया तो कुछ सॉफ्ट कॉर्नर्स आए, ऐसा लगा कि नहीं यार दोस्त है, इसको थोड़ा कम चैलेंज वाला टास्क देते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग गए ही वहां पे इसलिए थे. और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि ये शो उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां पर आपको अपनी दोस्तियां, प्यार, मोहब्बत, छोटे गेम पे ध्यान देना है, बिकॉज करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, आपको वो हर तरीके से देखना चाहते हैं, तो वो फाइट देखना चाहते हैं, आपकी जज्बा जीतने का देखना चाहते हैं. तो अब मैंने भी वही सोचा था, मैंने कहा कोई फिलहाल दोस्ती के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे हैं, हमें सिर्फ टास्क करने हैं. और वो क्योंकि वो खुद बहुत स्ट्रांग और बेहतरीन प्लेयर हैं, तो बस वो लगा दी आग फिर हमने जाके. ओके, तो विशाल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि फैंस काफी ही सालों से चाह रही है कि आप बिग बॉस के घर पे जाओ एज अ कंटेस्टेंट, जब आप घर पे गए, जब आपने वो एक नो टेस्ट लिया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भी एक बार बिग बॉस के घर में एज अ कंटेस्टेंट जाना चाहिए, क्या वो जज्बा आया है? यार बहुत वक्त से ये दिल मेरा दो टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसमें एक दिल कहता है कि यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो बिकॉज यू लव दिस शो सो मच एंड ऑल दैट जैज़, एंड कहीं ना कहीं एक दिल ये बोलता है कि आई थिंक यू आर स्टिल नॉट रेडी मेंटली, आपको और स्ट्रांग बनने की जरूरत है. एक वो जो डर है कि एक लोग आपको किस तरह से जानते हैं और कहीं किस तरह से आप निकले हैं उस शो से, बिकॉज इट्स वेरी ट्रिकी अदरवाइज. तो आई एम स्टक बिटवीन दीज टू पार्ट्स ऑफ माई हार्ट, सो I would not say कि मैं कभी नहीं करूंगा, but I don't know when. Okay. So Vishal, कौन सा एक contestant जिसने आपको काफी ही shock कर दिया है अपने performance से? जो TV पे दिखता है वो काफी अलग है and जो real life में है वो काफी अलग है. I think Umar for me, Umar would be that player for me because शुरू से जैसा उन्होंने खेलना शुरू किया था,
वॉज ओके मुझे जिस तरह से वो बात करते थे, गुस्सा करते थे, नहीं पसंद आता था, बट अब करते करते जिस मुकाम पे वो पहुंच गए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने सारे इमोशंस दिखाए हैं, जिस तरह से वो गेम खेल रहे हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं, मैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड। या सो विशाल, आप किससे टॉप टू में देखना पसंद करोगे? आई वुड से कुंद्रा एंड देबो, मेरे प्यारे। ओके सो विशाल, फाइनली एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड? Any reality show or something else? Reality तो अभी नहीं पता, but definitely I am up for a reality show. अगर Big Boss नहीं तो खतरों for sure. I wish हो जाता है तो, और नहीं तो I'm waiting for a good project on TV in terms of a different character. कि अगर कुछ अलग सा character आता है तो बहुत जल्दी, but otherwise I'm doing two web films which I will start shooting this month. So let's see. Okay, thank you Vishal for giving your precious time and all the best for your upcoming projects. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Lovely talking to you. Bye.